दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में साबुन का एक व्यापारी रहता था, जिसका एक बेटा भी था। वह व्यापारी दिन रात मेहनत करता ताकि वह अपने परिवार को चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उधर दूसरी तरफ उस व्यापारी का पुत्र उसके काम में तनिक भी उसका हाथ नहीं बटाता था, बल्कि वह तो अपने मित्रों के साथ मिलकर हमेशा मौज मस्ती किया करता, गप्पे लड़ाता और इसी में वो अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ कर देता। एक दिन अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई और अब से सारी जिम्मेदारियां व्यापारी के पुत्र अर्थात सोहन पर आ पड़ी। सोहन अभी नौजवान था और अब तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचाना था। एक दिन शाम के वक्त वह उस साबुन की दुकान पर बैठा हुआ था और मन ही मन ये सोच रहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, मैंने अपने जीवन में बहुत से मौके गवा दिए और अब तो लगता है कि जीवन भर मैं केवल इसी दुकान पर बैठा रह जाऊंगा और अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोहन जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी दुकान पर एक गुरु आ खड़े हुए हैं और जब उन गुरु ने सोहन को रोते हुए देखा तो वह सोहन से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन का हर एक पल तुम्हारे लिए कीमती तोहफा है, उसे इस तरह से यूं ही व्यर्थ मत करो, अपने आंसू पोछो। उन गुरु की आवाज सुनकर सोहन शांत हो गया और अपने आंसू पोछकर वह उन गुरुवर से कहता है, रहने दीजिए गुरुवर, ये सब खाली कहने की बातें हैं। आज मैं जहां हूं वहां से मेरा जीवन मुझे बहुत कठिन लग रहा है। आज से ठीक एक वर्ष पहले मेरे पिताजी गुजर गए और उनके गुजरते ही इस दुकान पर लेनदारों की लाइन लग गई और उन्होंने इस दुकान का सारा सामान खा लिया। इस दुकान पर कुछ भी नहीं बचा, जिससे मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया और कुछ पैसे उधार लिए और उससे मैंने एक बार फिर से ये व्यापार शुरू किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास कमाई नहीं है। मैंने तो सोचा था बड़े होकर मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं अपना नाम करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आगे सोहन उन गुरुवर से कहता है, सच बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत तेज था, हर बात में मैं हमेशा आगे रहता था, बातें करने में मैं चतुर था, क्लास में सबसे आगे रहता था। चाहे बातें किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो राजनीति की हो या फिर खेल कूद की, मुझे बातों में कोई भी नहीं हरा पाता था। मैं बातों में सबका गुरु था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पिताजी भी हमेशा मुझसे केवल एक ही बात कहते थे, बेटा तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अपनी इस चतुराई का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई पर करो, अपनी बुद्धि पढ़ाई में लगाओ, जिससे आगे चलकर तुम्हें इस दुनिया को देखने का मौका मिलेगा, अन्यथा तुम्हें भी दुकान पर ही बैठना पड़ जाएगा। लेकिन तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आज मुझे अपने पिताजी की हर बात याद आती है। मैं तो कोई और ही व्यवसाय करना चाहता था और उसके बारे में मैंने पहले से ही सारी तैयारियां भी कर ली थी, कितना कुछ था करने को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, बस मित्रों के साथ घूमता रहता, उनके साथ समय बिताता रहता और गपशप करता। लेकिन अब मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ कर दिया, यहां तक कि मेरे सभी मित्र भी मेरे किसी काम के नहीं है। जब भी मैं उन्हें कोई समस्या बताता हूं तो वो उसका समाधान तक मुझे नहीं दे पाते, इसलिए मुझे अब मेरी ये मित्रता भी बोझ सी लगने लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में फिर से वो बड़ा मौका आएगा, फिर से वो दिन आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जब लोग मेरा नाम जपेंगे, जब रातों रात मेरा समय बदल जाएगा और मैं सबको ये साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कितना काबिल हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। उन गुरुवर ने सोहन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी
और वह सोहन के भीतर के उस अहंकार को अच्छी तरह से देख पा रहे थे, लेकिन सोहन इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर सोहन को एक तालाब के पास ले जा पहुंचे। उस तालाब के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तभी उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा तुम्हें अपने जीवन में एक बड़े मौके की तलाश थी ना, तो आज वो मौका आ गया है। इस पर सोहन उन गुरुवर से कहता है, कैसा मौका गुरुवर? तभी वह गुरुवर उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए सोहन से कहते हैं, बेटा तुम इस तालाब के किनारे ये जो पत्थर देख रहे हो, इन पत्थरों में एक बहुत ही अमूल्य पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदलने में सक्षम है, और यदि वो पारस पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और तुम जैसा चाहोगे वैसा अपना जीवन भी बिता पाओगे। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु मैं इतने सारे पत्थरों में से उस पत्थर को कैसे पहचानूंगा? तभी वह गुरुवर इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, सोहन, पारस पत्थर बाकी सभी पत्थरों से हल्का गर्म होगा, जिसे तुम छूकर आसानी से पहचान सकते हो। आगे वह गुरुवर सोहन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारे पास केवल आज रात तक का ही वक्त है। अगर इतने समय में तुम वह पारस पत्थर ढूंढ सके तो तुम अवश्य ही जैसा चाहोगे वैसा जीवन जी सकते हो, अन्यथा आज का यह मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उन गुरुवर की आवाज सुनकर सोहन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जिस मौके की तलाश उसे थी आज उसे वह मौका मिल चुका था। उसने तुरंत ही बिना देर किए उन सभी पत्थरों को जांचना शुरू किया। उसने पास ही में बैठकर एक पत्थर को अच्छी तरह से देखा परखा, और ऐसे ही करके वह हर एक पत्थर को देखता और परखता। देखते देखते करीब 2 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक उसे वह पत्थर नहीं मिला था, जिस कारण उसके मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगी। वह यह सोचने लगा कि कुछ ही देर में रात्रि हो जाएगी, और ऐसे में यदि मुझे वह पत्थर नहीं मिला तो मेरे हाथ से यह सुनहरा मौका निकल जाएगा, मुझे जल्दी करना होगा। और अब सोहन ने अपनी गति बढ़ा दी। वह तेजी से हर पत्थर को देखता परखता और उसे महसूस करता, और जब उसे लगता कि वह पारस पत्थर नहीं है तो वह उसे उठाकर तालाब में फेंक देता। और लगातार ऐसा करते करते अचानक उसके हाथ में एक गर्म पत्थर आया, लेकिन जैसा कि अब उसी आदत हो चुकी थी कि वह फटाफट किसी भी पत्थर को देखता और तालाब में फेंक देता, अचानक उसने उस गर्म पत्थर को भी हाथ में लिया, महसूस किया और तुरंत ही उठाकर तालाब में फेंक दिया। और तभी उसे एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतना बेशकीमती पत्थर मेरे हाथों में आ चुका था और मैंने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। वह तुरंत ही तालाब में कूद पड़ा और तालाब की गहराई में जाकर उसने वहां से वो सभी पत्थर निकालने की कोशिश की, लेकिन अब तक सोहन को वो पत्थर नहीं मिल पाया था। जो पत्थर हल्का गर्म था, और मिलता भी कैसे, क्योंकि वह पारस पत्थर भी पानी में जाकर बाकी पत्थरों की तरह ठंडा पड़ चुका था। वह गुरुवर दूर बैठे सोहन की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी वह गुरुवर सोहन के पास आए और सोहन से कहने लगे, रुक जाओ बेटा, ये तुमने क्या कर दिया, वो पारस पत्थर तुम्हारे हाथों में था और तुमने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। अब तो तुम्हारे हाथों से वो पत्थर भी गया और ये मौका भी। इस पर सोहन रोते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे एक और मौका दे, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं उस पत्थर को पहचान सकूं। तभी वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा यहां पर कोई पारस पत्थर नहीं है, वो पत्थर जो तुमने गर्म महसूस किया था वो तो मैंने ही इस आग में गर्म करके तुम्हारे पास रखा था। यह सुनकर सोहन क्रोधित हो गया और उन गुरुवर से कहता है,
परंतु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था तो जिस प्रकार से तुमने अपनी सारी बातें मुझसे कही थी, उसी दौरान मैंने तुम्हारे भीतर एक अहंकार देखा था और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें यहां पर लाया था, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। इस पर सोहन उन गुरुवर से कहता है, सीख? कैसी सीख? इसके जवाब में वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा जैसे तुमने ये गर्म पत्थर अपनी लापरवाही के कारण तुरंत ही उठाकर पानी में फेंक दिया, ठीक ऐसे ही मौके कमाने की लापरवाही की तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसे कि आज तुमने केवल पारस पत्थर को खोजने की तलाश में और किसी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस तालाब के किनारे कई ऐसे बेशकीमती पत्थर हैं जिन्हें केवल बेचकर ही तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कट सकता है, लेकिन तुमने उन पर भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें भी उठाकर तुरंत ही तालाब में फेंक दिया। ठीक इसी प्रकार तुम केवल बड़े मौकों की तलाश में रहते हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो छोटे छोटे मौके आते हैं तुम उन पर ध्यान नहीं देते और तुम ये भूल जाते हो कि यदि तुम्हें कोई बड़ा अवसर प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना होगा। उन छोटे छोटे अवसरों पर काम करके ही तुम बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हो। उन गुरुवर की यह बात सुनकर सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी आगे वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा तुम बचपन से ही केवल बड़े मौकों का इंतजार कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें हर दिन की कीमत दिखाई ही नहीं दे रही और इसी कारण तुम आज तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते थे वो सब तुमसे दूर होता चला गया, क्योंकि तुम तो केवल बड़े मौके की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, बल्कि तुम्हारे सामने जो कर्म है उसे ही सब कुछ मानकर उसमें डूब जाओ, क्योंकि जब तुम उस कर्म में डूब जाओगे तभी जीवन में आने वाला सुनहरा मौका तुम्हें दिखाई देगा। तभी सोहन उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, मैं तो बचपन से ही बहुत तेज हूं, मेरा दिमाग और उसे तेज चलता है, मैं बातें करने में भी और उसे बहुत तेज हूं, लोग मुझे बुद्धिमान और चतुर कहते हैं, फिर आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मुझे आखिर अपनी कमियां क्यों नहीं दिखाई दी? तभी वह गुरुवर सोहन से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुमने बचपन से होशियार और चतुर बनने के लिए कभी कोई प्रयास किया है या कोई अभ्यास किया है, या ऐसा कोई भी काम जिससे तुम्हारी चतुराई या फिर होशियारी बढ़ सके? सोहन से पहली बार उन गुरुवर ने प्रश्न किया था और सोहन चुपचाप उनके प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने तो कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। तभी वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बिल्कुल सही, मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। जब भी कोई इंसानी शरीर धारण करके इस दुनिया में जन्म लेता है तो परमात्मा हर किसी को कुछ न कुछ काबिलियत अवश्य देते हैं, जिसका उपयोग करके वह अपने जीवन में अपना पेट पाल सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और दूसरों के काम आ सके। इसलिए जो उपहार तुम्हें मिला है उसके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर विनम्रता उत्पन्न करनी होगी। और बुद्धिमानी तो वही है जो व्यक्ति लगातार ये स्वीकार करता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। वास्तविकता में वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को भूलकर उन गलतियों को स्वीकार करे और उनमें सुधार करे, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा और वह अपने जीवन में जो कुछ चाहता है उसे हासिल भी कर पाएगा। तभी सोहन कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपने साबुन के इस व्यापार में पूरी तरह से फंस चुका हूं। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? इसके जवाब में वह गुरुवर सोहन से कहते हैं, बेटा तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो बस उसमें डूब जाओ, अर्थात तुम अभी के अभी दुकान पर वापस जाओ और अपने काम को अच्छी तरह से संभालने का प्रयास करो। जब तुम इस काम में अच्छी तरह से डूब जाओगे तो तुम्हें बड़े बड़े मौके भी दिखने लगेंगे। इतना कहकर वह गुरुवर अपने मार्ग पर चल पड़े और सोहन वापस अपनी दुकान पर लौट आया। अगले दिन से सोहन ने एक नई शुरुआत की। अगले दिन सबसे पहले उसने उन चीजों की एक सूची तैयार की कि उसे अब क्या क्या करना है। तो उसे पता चला कि अब तक बहुत सारे काम रुके हुए हैं जिन्हें उन्हें सबसे पहले पूरा करना है। देखते ही देखते अगले एक महीने की सोहन ने पूरी सूची तैयार कर ली और वह सारे काम निपटाने लगा। और अगले 3 दिनों में उसने नए नए ग्राहकों और नए नए व्यापारियों से बात की ताकि वह अपने इस व्यापार को और भी उन्नति तक ले जा सके। और फिर जो भी छोटे मोटे काम बचे हुए थे उसने उन कामों को पूरा करना शुरू किया और केवल 2 दिनों के भीतर ही उसने वो सारे काम भी पूरे कर लिए। और अपने खाली समय में जब वह उन व्यापारियों से बात करता तब उसे इस बात का एहसास होता साबुनों को बेचने से ज्यादा अधिक मुनाफा उन्हें बनाने में है। अब सोहन इसी पर काम करने लगा। सोहन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि साबुन को बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे तरह तरह के साबुन दिखे और उसने सभी साबुनों के तरल पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी शुरू की। और फिर इन्हीं जानकारी की मदद से सोहन साबुन और डिटर्जेंट बनाना सीखने लगा। देखते ही देखते सोहन ने केवल कुछ ही दिनों में अपना एक कारखाना भी शुरू कर दिया और उस कारखाने में सोहन अपने तरह तरह के प्रयोग किया करता। वह साबुनों के तरल पदार्थों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था तब उसके मित्र उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सोहन को इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन की बात है, सोहन अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया और उस गड्ढे में खूब पानी भरा हुआ था और इसी पानी के कारण वहां पर खूब सारे मच्छर भी थे, जिस कारण मच्छरों के काटने से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे थे। तभी सोहन को यह याद आया कि यदि पानी में वो थोड़ा सा साबुन डाल दे तो इससे पानी की सतह का तनाव कम हो जाएगा और मच्छरों के जो अंडे हैं वो पानी पर तैर नहीं पाएंगे, जिससे मच्छरों की तादाद दिन ब दिन कम हो जाएगी। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक और युक्ति आई। उसने सोचा, यदि मैं डिटर्जेंट और साबुन की छोटी छोटी गोलियां बना दूं और रुके हुए पानी में डाल दूं तो इससे मच्छरों के अंडे पानी पर तैर नहीं पाएंगे और कितने ही लोग बीमारी से बच भी जाएंगे। सोहन को क्या करना था उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। उसका लक्ष्य उसकी आंखों के सामने था। उसने तुरंत ही बिना किसी की मदद का इंतजार किए हुए अपने मित्र से बात की। इस पर उसका मित्र सोहन से कहता है, मित्र साबुन तो इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, ऐसे में ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इस पर सोहन ने अपने मित्र को समझाने की कोशिश की और उसे किसी तरह से मना लिया। तभी सोहन का मित्र सोहन से कहता है, देख मुझे कुछ कंपनियों के बारे में पता है और मैं कोशिश करूंगा कि तुझे वहां से वो रसायन मिल जाए। जैसे ही सोहन को वो रसायन मिले सोहन काम पर लग गया और कुछ ही दिनों के प्रयोग के बाद आखिरकार वह सफल हुआ। सोहन ने साबुन की छोटी छोटी गोलियां बना ली और आसपास के लोगों में उसे बांट दिया। सोहन का आविष्कार काम कर गया और जहां जहां भी सोहन ने ये गोलियां पहुंचाई थी वहां के लोगों की बीमार होने की संख्या बहुत कम थी। यह बात बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपी। सोहन ने किसी भी मौके या किसी की मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि सोहन तत्काल ही अपने काम में डूब गया और उसने अपने काम में कुछ नया कर दिखाया। और उसके बाद उसने उस आविष्कार को
अपने नाम करवा लिया और अपना काम और भी बढ़ा दिया। और देखते ही देखते सोहन के इस आविष्कार के बारे में सभी को पता चलने लगा और देश के कई राज्यों से भी अब सोहन को नए नए ऑर्डर्स आने लगे। और केवल 8 सालों के भीतर ही सोहन ने अपने व्यापार में कई गुना तरक्की भी कर ली थी। वह अपने व्यापार को उस उन्नति पर ले जा चुका था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन गुरु की वह दो सीख जिसने सोहन की पूरी जिंदगी बदल दी, सोहन ने उन्हें ही अपना आदर्श बना लिया। जिसमें पहली सीख ये थी कि कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, जो काम तुम्हारे सामने है उस काम को सब कुछ मानकर उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, नए मौके खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेंगे। और दूसरी सीख विनम्रता, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो लगातार ये स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता और अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को झुकाओ, जीवन में सुधार करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आप भी ये दोनों मंत्र अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में परेशानियों का हल करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है असीम शक्ति, जो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। आप जा करके उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। और वैसे अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।